इस तरह की क्रिकेट वीडियो डेली देखने के लिए हमारे चैनल आरटी क्रिकेट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो, मैं हूं तैमूर अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरटी क्रिकेट। पाकिस्तान ने अपने ग्रुप स्टेज में आईसीसी क्रिकेट 2019 में 9 मैचेस खेलने और पाकिस्तान का जो पहला मैच है ग्रुप स्टेज का वो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो ये मैच होगा ये खेला जाएगा 31 मई को और ये वर्ल्ड कप का दूसरा मैच होगा। जो ये मैच है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ये शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन को 2:30 पर और जो इस मैच का वेन्यू है नॉटिंगहम क्रिकेट ग्राउंड। आप जो मैच है जो उसका वेन्यू है नॉटिंगहम क्रिकेट ग्राउंड, ये वही ग्राउंड है जहां पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अभी चौथा ओडीआई खेला गया था। और इस ग्राउंड के लिए एक बात मशहूर ये है कि इसमें काफी हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं और जो 400 यानी कि 400 का स्कोर है वो एवरेज और पार स्कोर है फास्ट बैटिंग करते हुए इस ग्राउंड पर। तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मैच में हाई स्कोरिंग मैच होगा ये और इसकी लाइट साइड की बाउंड्री है वो काफी छोटी है। अगर बात करें जो प्लेइंग 11 की, जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी वो काफी हद तक सेम ही होगी जो पाकिस्तान की इंग्लैंड के अगेंस्ट थी। मात्र 2-3 चेंजेस की वजह से मोहम्मद आमिर और आसिफ मोहम्मद आमिर खेल सकते हैं और हो सकता है मिडिल ऑर्डर में कोई 2 चेंजेस की जाए। अगर वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की बात कर ली जाए तो वेस्ट इंडीज के लिए ओपन करें क्रिस गेल के साथ नए ओपनर होंगे और वेस्ट इंडीज अगर बात करिए वेस्ट इंडीज के मिडिल ऑर्डर की तो वेस्ट इंडीज का मिडिल ऑर्डर इतना खास स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि एक यंग और नया स्क्वाड अनाउंस किया है वेस्ट इंडीज ने इस वर्ल्ड कप के लिए जिसमें 1-2 एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं खाली जिसमें आंड्रे रसल आ जाते हैं। और उसके अलावा अगर हिटर्स की बात करिए तो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के पास है शिमरन हिटमायर या शई होप जो कि अच्छे प्लेयर हैं और बड़ी हिट भी लगा सकते हैं। अगर बॉलिंग की बात कर लिए तो बॉलिंग तो बिल्कुल इनकी यंग बॉलिंग है और यंग सेटअप बॉलिंग करने के लिए जिसमें एक्सपीरियंस तो बहुत कम है वेस्ट इंडीज के पास। अगर बॉलिंग की बात कर ली जाए मास आंड्रे रसल के जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस है मगर वो एज ए ऑलराउंडर खेलेंगे एज ए जनरल बॉलर नहीं खेलेंगे तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान इस ओडीआई मैच में जो पाकिस्तान का पहला मैच होगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का। इस वीडियो में इस अपडेट इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।